कौन कहता है कि मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी का नाम है जो महज सड़क पर चलती है। कराची के नौजवान इस सवारी को बर्क रफ्तार बनाकर हवा में उड़ाना भी जानते हैं। छुट्टी के दिन मन चले इस रोज ट्रैफिक की कमी का फायदा उठाते हुए सड़कों पर अपनी मोटरसाइकिलों के करतब दिखाते हैं। नौजवान कहते हैं कि इस टाइम का शौक है और चाहते हैं कि क्रिकेट और बॉक्सिंग की तरह इस खेल को भी बैनुल अकामी दर्जा दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि एक रोड दिया जाए हमें भी, ताकि हम अपने और स्टंट करें और स्टंट को और अच्छा कर सकें, और जैसे क्रिकेट और बॉक्सिंग इंटरनेशनल है वैसे बाइकिंग को भी इंटरनेशनल किया जाए। बहुत अच्छा गेम है ये भी, ताकि हमें भी मौका मिले अपने मुल्क का नाम रोशन करने का दुनिया भर में। नौजवान का कहना है कि इन्हें एक अलग ट्रैक फराहम किया जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। ट्रैक की जो है हमें काफी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, हर संडे आते हैं और ट्रैक वगैरह में हमें यही उत्साह आती है कि हम लोग चला रहे होते हैं तो हमारे बीच में जो अक्सर से लोग आ जाते हैं और इसके लिए हमें काफी मतलब या तो एक्सीडेंट हो जाते हैं और या तो फिर हमें काफी मतलब मुश्किलात इसके लिए आती हैं। तो हमारी हुकूमत से यही है कि हमें जो एक अच्छे से ट्रैक प्रोवाइड किए जाए। नौजवान कहते हैं कि वो हेलमेट और सेफ्टी किट्स के साथ रेस लगाते हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक्य से बच सके। हेलमेट होता है, सेफ्टी किट्स होते हैं, उसके साथ हम चलाते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो, और हफ्ते में दो बार आते हैं। खतरे और खौफ की आंखों में आंखें डालकर बातें करने वाले नौजवान का यही कहना है कि कोई रोक सके तो रोक ले, वो ऐसे करतब दिखाकर लोगों को महसूस करते रहेंगे। खेल तो दिलचस्प है लेकिन खतरनाक भी, शायकीन तो बहुत है लेकिन पुलिस का खौफ भी। मंचलों का कहना है कि उनको एक अलग ट्रैक फराहम करके दिया जाए। कैमरा मैन साजिद अंसारी के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो वन न्यूज़ कराची।